जय जय श्री राधे। आज 16 जुलाई गुरुवार एकादशी का दिन है और आज से ठीक 4 दिन बाद 20 जुलाई 2020 को सोमवती अमावस्या का महापर्व है। सोमवती अमावस्या एक विशेष दिन है, इसकी इतनी अनंत महिमा है। मैंने सोचा 4 दिन पहले यदि इस वीडियो को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं तो आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या को हम ऐसे ऐसे फल प्राप्त कर सकते हैं कि जिन मनोवांछित फलों को प्राप्त करने के लिए लोग लाखों रुपया खर्च कर डालते हैं, इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, न जाने कहाँ कहाँ किन किन तीर्थों का चक्कर लगाते हैं, न जाने क्या क्या उपाय करते हैं, महंगे से महंगे रत्न पहनते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों के निकट जाते हैं और बहुत कुछ शनि राहु केतु मंगल आदि क्रूर ग्रहों की शांति के लिए निवारण के लिए न जाने क्या क्या पूजन कराते हैं बेचारे। और ये सब ठीक है, कराना भी चाहिए, पर जो समर्थ हैं वो कराए, पर बहुत से लोग जो असमर्थ हैं, जो बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो जिनके पास इस समय आजकल लॉकडाउन में पिछले 4-5 महीने से सब बेरोजगार हैं, ऐसे में जिनके पास धन नहीं है, खाने को भी प्रबंध नहीं है, वो बेचारे अपने दुर्भाग्य के निवारण के लिए क्या करें। तो सोमवती अमावस्या का जो दिन है ये विशेष रूप से तीन ऐसी जो बाधाएं आती हैं, एक तो जिनके जन्मपत्री में क्रूर ग्रहों का जो अशुभ घर होते हैं यानी छठवां आठवां और 12वां, तो अशुभ घरों में क्रूर ग्रह यदि बैठा हो, लग्न में क्रूर ग्रह यदि बैठा हो, तो उसके निवारण के लिए, काल सर्प निवारण के लिए और पितृ दोष निवारण के लिए, सबसे अधिक घातक यदि कोई है तो वो पितृ दोष। जब हमारे पितर असंतुष्ट होते हैं अथवा किसी के वंश में किसी के कुल में कोई अकाल मृत्यु हो जाए और उनका मोक्ष न हुआ हो, गया में उनका पिंडदान न हुआ हो, उनके निमित्त भागवत न किया गया हो, तो ऐसे पितृदोष जिनके घर में हो, तो जिन जातकों के घर में पितृदोष हो तो पाए उसका लक्षण क्या जानते हैं। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी जो करते हैं ना, जैसे कोई IAS IPS MBA अथवा CA आदि की तैयारी करते हैं और बिल्कुल परीक्षा में पास हो गए और आपके इंटरव्यू देते समय एक नंबर से बाल बाल वो सिलेक्शन होते होते रह गया। अब बेचारे कोसते रहते हैं, मैंने इतनी तैयारी की, इतना कुछ परिश्रम किया, पर मेरा नंबर तो आया ही नहीं है। अथवा समझ लीजिए कि किसी विवाह के बाद किसी स्त्री का बार बार गर्भपात हो रहा हो, है वो गर्भ धारण तो करती हैं लेकिन बार बार वो तीसरे चौथे महीने में वो बच्चा नष्ट हो जाता है। ये ऐसी समस्या है तो समझ लेना पितृदोष। अथवा ये समझ लीजिए कि बार बार घर में शादी और विवाह की बात चल रही हो, शादी पक्की हो गई हो, सगाई भी हो गई हो और ऐन वक्त पर विवाह टूट गई हो, शादी टूट गई हो, तो ऐसी स्थिति में, या फिर असाध्य रोग हो शरीर में कोई और बार बार इलाज करा रहे हैं, बार बार अस्पताल जाते हैं, विभिन्न टेस्ट कराते हैं और डॉक्टर भी हैरान परेशान कि टेस्ट तो किया लेकिन शरीर में निकलता कुछ नहीं है, रोग क्या है, बीमारी क्या है, ये डॉक्टर को भी नहीं पता, बस आप दवाई खाए जाओ खाए जाओ। तो जब कुछ भी पता ना हो, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति हो, तो समझ लेना चाहिए कि पितृदोष है। तो इन सब दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो भैया, मैं तो ब्रजवासी हूं और हमारे ब्रज में कहावत है, भैया नॉन लगे ना फिटकरी रंग चोखो ही आवे, यानी धेल्यू खर्चा करने की जरूरत ना है, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और मुफ्त में एक छोटी सी क्रिया संपन्न करें सोमवती अमावस्या को और वो बात बन जाए। तो क्या करें हम उस दिन, आइए मैं एक बहुत छोटा सा आपको साधन बता रहा हूं। तो पहले तो विवाहित स्त्रियां जो अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष की हमारे श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में विभूति योग में 26वें श्लोक में कहा गया, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, इस विश्व में जितने भी वृक्ष हैं उन सब में जो अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष है वो बिल्कुल साक्षात भगवान की विभूति यानी कृष्ण ही हैं, उसमें समस्त यानी भगवान विष्णु के साथ साथ समस्त 33 कोटि देवताओं का निवास रहता है। इसलिए यदि उस दिन उसकी परिक्रमा की जाए, प्रदक्षिणा की जाए, तो भगवान विष्णु प्रसन्न और भगवान विष्णु यदि प्रसन्न तो सब देवी देवता प्रसन्न, जा पर कृपा राम की हो ता पर कृपा करे सब कोई, भगवान यदि राम प्रसन्न है कृष्ण प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। तो इसलिए उस दिन क्या करें, अपने निकटतम यदि कोई नदी हो, जैसे हमारे हरिद्वार में तो गंगा जी है, वृंदावन में यमुना मैया है, यदि और कहीं पर कालिंदी गोदावरी नर्मदा जिसके निकटतम कोसी जो भी नदी हो, आप उस पवित्र नदी में स्नान करें। और महाभारत में पितामह भीष्म ने इस सोमवती अमावस्या की महिमा का बखान करते हुए राजा राजा युधिष्ठिर को बताया कि जो उस दिन नदी में स्नान करते हैं
उस दिन महाराज उनके समस्त पितरों की आत्माओं को भी शांति प्राप्त होती है, और इतना ही नहीं उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, समस्त प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहता है और समस्त दुखों से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए उस दिन क्या करें, उस दिन अगर पवित्र नदी है तो नदी स्नान कर, अगर नहीं है तो आप अपने घर पर भी गंगा जल अपने स्नान के जल में डालकर स्नान करें, तो भी गंगा गंगेति यो ब्रुवाति यो जनानां क्षतिरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। माँ गंगा को यदि 100 योजन दूर से भी कोई माँ गंगे करके पुकारे तो भी गंगा मैया आपके घर तक चली आती हैं, तो आपके जिस बाल्टी में जल रखा है उस जल को भी वो गंगा जल में परिणत कर देती हैं। तो एक तो ये स्नान करें आप, और उस दिन सुबह दोपहर संध्या जब भी अवसर लगे एक दीवला, दीवला जानते हैं मिट्टी के जो दिए होते हैं दीपावली में, बड़े तो बड़ा साइज का लें, और अगर मिट्टी का दीवला उपलब्ध न हो तो आटे का चौकोर दीपक बना लें आटे का, और उसमें तिल का तेल अथवा सरसों का तेल यदि उपलब्ध हो तो तिल का तेल रखें, तिल का तेल रखें, और जातक यानी जो व्यक्ति चाहता हो अपने लिए, जो विद्यार्थी हो अथवा जो व्यवसायी हो अथवा जो पुरुष हो जो नारी हो, जो अपने लिए चाहता हो वो अपना मुख अपना चेहरा जैसे दर्पण में देखते हैं उस तेल में अपना प्रतिबिंब ऐसे झांक कर देख ले, ऊपर से नीचे तक पूरा देख ले, और विशेष रूप से चेहरा दिखना चाहिए, और देखने के बाद अपने निकटतम किसी अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष, पीपल का वृक्ष कैसा, बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने छत पे अगर पीपल है तो उसी में कर ले, ना अपने घर में नहीं अपने प्रांगण में नहीं, ऐसा पीपल का वृक्ष जो सार्वजनिक स्थल पर हो, किसी देवालय के पास हो, और जो सार्वजनिक रूप से लोग जिसकी पूजा करते हो अथवा प्रदक्षिणा करते हो, ऐसा पीपल के वृक्ष में आप उस दिन परिक्रमा करें, 108 बार परिक्रमा करें, और परिक्रमा करते हुए पहले क्या करेंगे, पहले जाएंगे उस दीपक में अपना मुख देखकर उसको जलाएंगे, और जला के आरती करते हुए उसके जड़ में जला देंगे, उसके बाद आप परिक्रमा शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए आप परिक्रमा करेंगे। लेकिन परिक्रमा करेंगे चक्कर नहीं लगाएंगे, मैं बहुधा देखता हूँ बहुत सी माताएं अज्ञानवश केवल चक्कर लगाती हैं, ऐसे गोल गोल घूमने को चक्कर कहते हैं, उसको प्रदक्षिणा नहीं कहते, परिक्रमा नहीं कहते, प्रदक्षिणा और परिक्रमा उसे कहते हैं कि एक फेरी लगाने के बाद जब सामने आए तो दोनों हाथ से धरती माँ को प्रणाम करें, तो एक ऐसे दोबारा फिर परिक्रमा लगाएं और फिर झुककर दोबारा प्रणाम करें, तो दो ऐसे गिनती करने के लिए आप हाथ में या तो 108 मनके की माला ले लें, या छोटे छोटे मैंने हमें बहुधा बहुत सी हमारे मारवाड़ी परिवार की बहू बेटियों को देखता हूँ हाथ में खुले पैसे रख लेती हैं सिक्के 108, वो एक परिक्रमा करती हैं एक सिक्का चढ़ा देती हैं, अथवा पुष्प रख लीजिए 108 है, अथवा कोई कंकड़ रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए है, तो गिनती करके पूरे 108 परिक्रमा कीजिए, और ऐसा करने से आपके जीवन में जो क्रूर ग्रह का प्रभाव है, जो काल सर्प योग है, जो मंगल दोष है, जो पितृ दोष है, ये सदा सदा के लिए मिट जाएंगे, और आपका जीवन सुखमय बनेगा, आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा, किसी का भला हो। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक किसी की प्राण रक्षा हो, किसी का रोग दूर हो, किसी की शिक्षा में अथवा किसी की परीक्षा में सफलता मिले आपके प्रयास से, इसलिए इस वीडियो को इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ये 3-4 दिनों में समय है, इसलिए मैंने आज पहले ही ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया, और मेरे इस चैनल को नाम उपचार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं साधारणतः तो आग्रह नहीं करता हूँ लाइक कमेंट्स और शेयर की, किंतु ये मानव कल्याण के साथ इसका संबंध जुड़ा है, इसलिए जन जन तक ये पहुंचे, कृपया सोमवती अमावस्या का लाभ लें, आप सबका जीवन सुखमय हो। जय जय श्री राधे।